गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं द रेडिस ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड आपका फिर स्वागत है। आज फिर हम जाने वाले हैं अपने काम पर और काम करेंगे कंटिन्यू, और अभी गाड़ी निकालनी बाकी है, तैयार हो चुके हैं जाने के लिए काम पर। और थोड़ा सा काम बचा है, जो जहाँ पानी भर रहा था वो से स्थान वो जगह रह गई थी, और थोड़ी थोड़ी किचन में टाइलें बढ़ा दी थी जो अब किचन में टाइलें फुल लगेंगी ऊपर तक अब फिलहाल अभी। तो दोस्तों जो उनका बाथरूम था उसमें टाइलें 6 से 7 फीट लगाई थी हमने, जो कह रहे थे कि आप 6 फीट लगा दो, लेकिन अब उनका जो डिसीजन है वो चेंज हो गया है। उन्होंने कहा कि अब हमारी टाइलें पूरी फुल लेंटर तक लगा दो, तो हमने आज वो दीवार लगानी है एंड जहाँ पानी भर रहा था कल वो स्थान को सही करना है। और इसके साथ साथ कल मैं जिस किचन को धोकर आया था उसकी नीचे की ग्राउटिंग करनी है, उसका फर्श है उसको भरना है, साइड में जो कचे रह गई मतलब जो झीरियाँ रह गई हैं उनको भरने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हमारी किचन कंप्लीट ही है। और इसके साथ साथ जो पानी भरा हुआ था उस पर टाइलें लगानी है, उसको स्लॉप बनाना है, और जो बाथरूम है उसको कंप्लीट करना है पूरा ऊपर फुल दीवार तक। तो करते हैं फिर उसके बाद में अपना काम निपटाने के बाद आप, तो चलिए फिर करते हैं। फाइनली मैं आ चुका अपने काम पर, और ये जो इसका फर्श है इसको सफाई कर दी था कल, साफ करके चला गया था। फिर इसमें जो वो भरनी है एंड इसके बाद में ये जो हमारा काम है, एक तो काम ये करना है, ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है पानी रोकना था, ये वाली रिपेयर करना है एंड इसके बाद में ये काम और है जो इसकी दीवार है, ये दीवारें लगानी है फुल तक छत तक टाइलें लगानी है यहाँ से ऊपर तक। उसके बाद में इसको साफ सफाई करने के बाद में ये भी ओके हो जाएगा, और इसमें भी ये बस नीचे की ग्राउटिंग होगी। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, पहले हम टाइल वाइल भी खोल लेते हैं, टाइल अभी डालते हैं वीओ ने, और सीमेंट भी बनाएंगे, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब मैं काम करता हूँ स्टार्ट, और अब मैं ये टाइलें जो पड़ी रखी हैं इनको भिगोना रखता हूँ और वीओ डालता हूँ, फिर उसके बाद में बनाना है सीमेंट। सीमेंट बनाने के बाद फिर ये भीग जाएंगी, फिर मैं टाइलें निकालने के बाद इनको लगाना चालू करूँगा। जो ये बाथरूम है इसकी जो दीवारें फुल ऊपर तक लग चुकी हैं चारों तरफ की, और इसका जो फर्श है वो हमने धो दिया है, और इसके बाद कल का काम है इसकी ग्राउटिंग, जो चारों तरफ कचे हैं वो भरी जाएंगी, और ये पूरा ऊपर से मैंने ओके कर दिया है। एंड ये बाथरूम बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक डिजाइन है, और इसके बाद में ये प्लेन लगा दिया गया। तो जो टाइलें ख़त्म हो गई थी दुकान पर, तो इसके बाद में डिसीजन ले लिया कि ऊपर को प्लेन लगानी है, तो यहाँ से प्लेन लगा दिए ऊपर को, और नीचे को देख सकते हैं आप धारी बनी हुई है। तो इसी तरह से पूरे बाथरूम में है एंड जो हमारा किचन है वो भी कंप्लीट हो गया है, और उसकी कल को उसकी भी ग्राउटिंग कर देंगे, क्योंकि आज नहीं कर पाए, टाइम ज़्यादा हो गया था कटिंग का काम, और लाइट भी भागी चुकी थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा परेशान कर रही है रोज़। और आज कल का काम ये है कि कल को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके टाइलें लगाएंगे, या स्लॉप में हो सकता है मिक्स जो बची होंगी टाइलें, वो मिक्स टाइलें होंगी वो सारी इसके अंदर लगा देंगे, बची बची यहाँ भी लगा देंगे पानी अंदर सीलन ना जाए। तो एंड चलते हैं फिर घर को, टाइम हो चुका है घर, और मैंने फोन आया जरा यार, और मम्मी ने भी गेट खोल दिया। अब चलते हैं, फ्रेश होते हैं, कर लिए चेंज, और मैं खाना खाने वाला हूँ। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आप तक साइड नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप हमारी वीडियो को ना लाइक करते हैं ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, एंड दोस्तों जो भी आपकी राय है वो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।